तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल काइट लवर ऑफिशियल। तो भाई उत्तरायण है तो नया मांझा लाना तो यार बनता है। तो यहाँ पे देखो एक नया बंडल हम लेकर आ गए मांझे का, और जो ये पीछे वाला देख रहा हूँ ये पुराना है। और देखो दोनों सेम ही मांझे निंजा का है, और जो नया मैं लेकर आऊँ ये भी निंजा का है। और देखो इसी ब्लॉग में मांझे इसलिए लाऊँ क्योंकि मांझा यार काफ़ी बढ़िया लड़ा था ये पिछला वाला, और इसमें भी 6 रील बचा है और नया हम लेकर आ गए। और ये जो चरखा है ये थोड़ा डार्क कलर में है, वो थोड़ा हल्के कलर में था पहले वाला, लेकिन ये डार्क कलर में, तो इसे खोल के भी आपको दिखाता हूँ। और चरखा भी इसमें देखो बीकानेर वाला लगा है। और इससे पहले वाला जो मांझा था ना वो भी काफ़ी बढ़िया था, लेकिन वो सील में नहीं लड़ पा रहा था क्योंकि वो कलर थोड़ा हल्का था। तो मैंने इनसे कहा भाई थोड़ा हमें डार्क कलर चाहिए, तो यहाँ पर देखो इन्होंने डार्क कलर लगवाया हमारे लिए। और ये देखिए चरखा पूरा भरा है भाई ऊपर तक। तो अभी इसे खोलते हैं आपको दिखाते हैं, और मांझे आपको कैसे मिल पाएगा, क्या रेट है इस मांझे के पूरा आपको बताऊंगा। वीडियो आप लोग एंड तक देखो, अगर आपको मांझा चाहिए तो बेस्ट मांझा आइए भाई ले सकते हैं इसे भी आप। अब करते हैं मांझे को अनबॉक्स, आपको दिखाते हैं। अब ये देखो यार कलर देख सकते हैं आप कितना प्यारा कलर है, थोड़ा डार्क में है ये प्याजी कलर। तो ये देखो सील में काफ़ी बढ़िया लड़ेगा ये कलर, नॉर्मल तो लड़ ही जाएगा और सील में भी बढ़िया लड़ेगा। और मैंने इनसे स्पेशली कहा था कि मुझे डार्क कलर चाहिए क्योंकि अभी तो यार ठंडी है और ठंड में देखो सील होती है काफ़ी ज़्यादा, तो डार्क कलर ही मैंने आपसे कई बार कहा है बेस्ट रहते हैं, तो इसीलिए डार्क कलर का ये मांझा लिया है। इसे खोलते हैं दिखाते हैं। अब देखिए मांझा अगर आप निकालेंगे तो देखो थोड़ा बहुत मांझा आप निकाल लिया करो, उसके बाद ही मांझा चेक करा करो। तो यहाँ पे 2-3 हाथ मैंने मांझा निकाला है। अब देखो 2-3 हाथ चरखी में से मांझा निकालने के बाद आप मांझा चेक करा करो कि मांझे की क्वालिटी कैसी है। तो यहाँ पे अगर हम मांझे की क्वालिटी की बात करें तो सबसे पहले हमें महसूस होगा मांझा भाई बारीक है, और बारीक मांझा आजकल सबसे बेस्ट रहता है। लंबे में भी लड़ेगा, छोटे में भी लड़ेगा, फंसा के लड़ाओ चाहे खींच के लड़ाओ। बारीक मांझा है गोल धार का, और देखिए एक जैसी धार है पूरी, ये नहीं कि कहीं पर आपका हाथ फंस रहा हो। स्मूथनेस के साथ शार्पनेस है इस मांझे में, दोनों काम करेगा लंबे में भी छोटे में भी। तो ये तो नई क्वालिटी थी जो मैं नया बंडल लेकर आया था, इनका पुराना वाला बंडल भी खोल के दिखाता हूँ। ये देखो यार ये इसका ही मैंने रिव्यू करा अपने चैनल में पहले, तो ये वाला जो कलर था थोड़ा सा ये लाइट कलर है, लेकिन मांझा ये भी बहुत बड़े लड़ा था यार। अभी इसमें करीब 5-6 डील है मांझा, ये धूप में बहुत अच्छा लड़ रहा है लेकिन सील में थोड़ा दम तोड़ रहा है, इसीलिए यहाँ पर हमने डार्क कलर लगवाया है। और जो ये पहले वाला मांझा था ना ये बल खुलावा था, फिलहाल ये वाला तो बल खुलावा नहीं लेकिन पहले वाला बल खुलावा था, और मांझा अच्छा ही लड़ा। तो इन्हीं का देखो मैं व्लॉग लेकर आऊँ, जैसा मैं कहता हूँ ना जो मांझा जिस कारीगर का मांझा लड़ जाए उसका मांझा आप लेते रहा करो आगे भी, अगर मांझा लड़ रहा तो लेते रहा करो। और अगर ये आपको मांझा चाहिए निंजा का मांझा है, नंबर सामने दिख रहा होगा दोबारा भी आपको दिखा दूंगा। इस वाले मांझे की बात करें इसमें भी देखो सेम चीज़ है, पतला मांझा है स्मूथनेस के साथ शार्पनेस है दोनों मांझे में, लंबे में भी लड़ा था ये वाला मांझा, छोटे में भी लड़ा था। तो मांझे की क्वालिटी मैंने आपको दिखा दी कैसी क्वालिटी है, अब मैं आपको बताता हूँ कि रेट की बात करते हैं और कहाँ से ये मांझा आपको मिल सकता है, दोनों आपको बातें बताता हूँ अभी। तो सबसे पहली बात, अगर आप ये वाली चरखियों में लगवाएंगे मांझा तो आपको थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, 500 रुपये महंगा पड़ेगा, क्योंकि चरखी ये बीकानेर वाली है, सामने आप देख सकते हैं इन चरखी में बीकानेर की है, 500 रुपये महंगा पड़ेगा, लेकिन भाई चरखी टिकाऊ और मजबूत है, अगर चरखी गिरती है तो सेफ रहेगी। ये नहीं कि वाली चरखियाँ कभी कभार हिल जाती हैं, लेकिन ये बेस्ट चरखी लगी मुझे अभी तक, इसीलिए इन्हीं चरखियों में मांझा लगवा रहा हूँ आजकल। और डोर देखो 1-2-3 की यूज हुई है। और रेट की बात करें तो भाई आपको इन वाली चरखियों में 18.5 का ये पड़ जाएगा, मुझे भी 18.5 का पड़ा है। नॉर्मल चरखी लेते हैं तो 500 रुपये कम हो जाएंगे, वो आप बात कर लेना। और मांझा मैंने भैया अश्विनी भाई से लिया है, अश्विनी उपाध्याय से, जो काइट मेकर है, जो सामने नंबर दिख रहा है ना आपको, ये इन्हीं का नंबर है, इन्हीं का व्लॉग है, तो खुद बनाते हैं, तो अगर आप लेना चाहते हैं तो डायरेक्ट उनको ही कॉल करें। और दूसरी बात ये मांझा भाई आप ये वाला तभी लेना जब आप मैदान लड़ाते हो, क्योंकि यार 1800 रुपये भी कोई कम नहीं होते। तो ये नहीं कि आप छतों में अगर लड़ाते हो ना तो छतों के लिए आप 1400-1500 का ही मांझा यूज करना, अगर आप मैदान लड़ाते हो तो ये वाला मांझे के ऊपर जाना 1800-2000, जितने महंगे मांझे हैं वो भाई आप मैदान से यूज करना, छतों के लिए 1500 के अंदर या बहुत से 1600 के अंदर बेस्ट मांझे मिल जाते हैं, और मैं काफ़ी लेकर आया हूँ, आगे भी लाता रहूँगा तो अपने चैनल पर दिखाता रहूँगा, और कुछ और भी चीज़ें लाया हूँ वो भी आपको दिखाता हूँ। मांझे तो मैंने अब आपको दिखा दिया, अब मैं आपको ढोल दिखाता हूँ। ये देखो यार क्या पतंगे हैं, साइज़ देखो पतंग का कितना मतलब बड़ा साइज है, और इसमें लगभग 34 इंच की पूरी कमान लगी है इन पतंग में। तो ये तो नॉर्मल पेपर में, लेकिन यार ये वाला पेपर देखो आप, स्किन कलर है, ये इजीली अवेलेबल नहीं है हर किसी के पास, लेकिन अपने पास है यार ये कलर, और आगे भी ऐसे यूनिक यूनिक कलर आते रहेंगे। ये पेपर देखो यार जर्मनी पेपर है स्किन कलर में,
और मांगदार भी है इसमें। ये फरमा दूसरा है, ये छोटा फरमा है, लेकिन जो पहले दिखाए थे वो सब ढोलते बड़े। तो ये सारी पतंगे थी। ये पतंगे देखो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार चेक करके कैसी पतंग है ये। तो देखो रेंज की पतंग है, तो ठड्डा तो आपको पता है, ये तो अजंता पेपर में है, आगे से भी दिखा दे रहा हूँ। तो अब मैं बता रहा हूँ रेंज की पतंग है, तो ठड्डा तो यार मजबूत होता है, ये देखो ठड्डा मजबूत है। और कमान देखो इतनी है, मीडियम की डोर पीले पतंगे, ये भी नहीं कि काफ़ी टाइट है कि पतंग मकड़ जाए, डोर पीले। तो ये रही भाई अजंता पेपर में, और ये है भाई स्पेशल पतंग, सेम फरमा है लेकिन पेपर स्पेशल है यार, जर्मनी में आपका स्किन कलर और सफ़ेद मांग डाली है। फिलहाल ये पतंग मुझे लगता तो नहीं है कि रेंज में दिख पाएगी, लेकिन यार बस पतंग देखने में अच्छी लग रही है, ना लड़े तो रखी रहेगी बैग में, कलर बहुत प्यारा है। रेंज में तो नहीं लड़ा पाएगी, लेकिन छोटे में लड़ा देंगे हम, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो यार क्या पतंगे हैं, ये आपकी मांगदार हो गई, ये प्लेन ब्लैक में आ जाएगी, उसके बाद ये भी आपकी मांगदार है, घुटाई भी है पतंगे दिख रही होगी आपको। और एक ये देखो पूरी स्किन कलर के ऊपर गोल पतंग, हांडू जिसे कहेंगे आप। तो ये भी देखो पतंगे तंगे मैं लेकर आया हूँ, अब मुझे कमेंट करके आप ये बताओ क्या ये मुझे पतंग उत्तरायण में उड़ानी चाहिए, कमेंट जरूर करना। अगर आप कमेंट करके बताओगे तो फिर उड़ाते हैं इस पतंग को उत्तरायण वाले दिन, और आपको जरूर दिखाएंगे, कल ही उत्तरायण उड़ाते हैं मकर संक्रांति में, और आपको दिखाते हैं। और सामने देखो अर्पित गाइड बरेली लिखा है पतंग में, किसका नाम है कमेंट करके बताओ मुझे। तो ये तो भाई सारी पतंगें तंगे रहीं, इन्हें रखते हैं अलग, थोड़ी धूप भी दिखा रहा हूँ मैं, सीलन का मौसम है, धूप लिख लिया तो धूप भी दिखाना बहुत ज़रूरी है, पतंग हो गई मांझे हो गई सब चीज़ में धूप दिखाना ज़रूरी है। तो इन्हें साइड में रखते हैं, और ये थे भाई अपने मांझे निंजा ग्रेड वन, तो इसकी भी टेस्टिंग होगी कल ही। और मुझे कमेंट करके आप लोग ये बताओ कि कौन कौन एक्साइटेड है कल के लिए, और क्या क्या तैयारी है, कितनी पतंगे कितना मांझा आपके पास, कमेंट करके बताना। सबके कमेंट आजकल मैं पढ़ रहा हूँ, देखें भाई किसने कितनी तैयारी कर ली अपने जयपुर वाले भाइयों ने, और कहाँ कहाँ कल के दिन पतंगबाजी होती है ये भी मुझे कमेंट करके बताओ, सिटी के नेम कहाँ कहाँ पतंगबाजी होती है कल के दिन। तो ये सारा भाई अपना मटेरियल रहा और नीचे। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो, और उम्मीद है कि आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना पतंगबाज दोस्त में। तो मिलते हैं शाम को एक और नेक्स्ट वीडियो में काइट शॉप की, तब तक के लिए बाय।